ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੁਆ ਸਰਕਲ ਹੈ तो हमारा स्कूल में बिल्डिंग नहीं है। पिछले तकरीबन 10 साल से हमें यही परेशानी है, बाहर बच्चों को बिठाना पड़ता है। हमारे पास मैक्सिमम इनरोलमेंट जो है 100 के आसपास रहती है, कभी 90 प्लस बस यही इनरोलमेंट रहती है। जब बारिश होती है तो हमें मजबूरन छुट्टी करनी पड़ती है। जब हमारे पास कोई अकोमोडेशन नहीं है, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, ना सामान रखने के लिए जगह है, ना किचन शेड है, ना टॉयलेट है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो इसलिए हमें सरकार से अपील है कि हमारे बारे में कोई सोच विचार करे। बारिश होती है वहाँ, हम यहाँ पर टीचर हमें छुट्टी कर देते हैं और पढ़ाई भी नहीं अच्छी नहीं है पढ़ाई, और यहाँ पर कमरे भी नहीं हमें, और डाल रखने की जगह नहीं है हमें, फिर कुक के घर जाना पड़ता है, फिर यहाँ पर वहाँ पर रखना पड़ता है, फिर से सुबह स्कूल लगते हैं वहाँ पर लाते हैं। यहाँ एक कमरा पहले किसी ज़माने में जो बना था वो अच्छा खासा था, और वहाँ पर पढ़ाई उन दिनों में जब जो था प्राइमरी स्कूल तो एक कमरे में काम चलता था और बेहतरीन पढ़ाई वहाँ पर हुआ करती थी। जगह बहुत बेहतरीन है, वो ऐसे लगता है जैसे टूरिस्ट रिजॉर्ट हो, लेकिन बदकिस्मती से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें जब अपग्रेडेशन हुआ तो इसकी बिल्डिंग आई, वो बिल्डिंग कहीं बनी और वॉल प्लेट लेवल तक पहुंच गई। जैसे कि कागज़ हमें बता रहे हैं, या मैंने ऑफिस में देखे कागज़ तो वो बता रहे हैं कि वहाँ पर वॉल प्लेट लेवल तक जो बिल्डिंग बनी थी, लेकिन आज जो हमने देखा सिर्फ खाली एक प्लिंथ लेवल पे वो है। तो वो जो पिछला पहला जो रूम जो मैंने बताया आपको वो बना हुआ था, वो भी आप बिल्कुल खस्ता हालत में, बच्चे परेशान हैं, वहाँ रिस्की वो जगह है। अब जैसे फेयर वेदर जिसको हम स्कूल कहते हैं, वो फेयर वेदर स्कूल लग रहा है। जब मौसम अच्छा होगा तो वो स्कूल लगेंगे, बच्चे बैठेंगे, टीचर पढ़ाएंगे, और जब बारिश होगी या कुछ ऐसे हालात हों तो उस बच्चों की कंडीशन जो है वो ख़राब हो जाती है। उस्ताद पढ़ा नहीं सकते वहाँ पर जो हमारे साथ ग्राम हैं, तो इसलिए परेशानी तो वहाँ है। लेकिन अब मुझे पता चला है, हम देखेंगे कि क्या ये कागज़ों में बनी हुई बिल्डिंग है या वाकई इसका कोई वजूद भी आया था, और किस कारण की वजह से ये वो बिल्डिंग रुक गई, और वो जो जैसे कह रहे हैं कि वो अब उसकी दीवारें जो हैं वो भी टूट गई, दीवारें भी आगे पीछे पत्थर वगैरह उठा लिए। अब मैंने इसका नोटिस लिया है, मैं इसको पब्लिक वहाँ दरबार लगाऊँगा, लोगों को पूछूँगा। Thank you.